तो हमारा अगला टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप तो पहला फीचर है टू और मोर पर्सेंस मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो मिनिमम टू परसेंट होने चाहिए और मैक्सिमम फिफ्टी परसेंट्स होने चाहिए एक्सेप्ट थ्री टाइप ऑफ पर्सन कैन नॉट इंटर इन टू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट फर्स्ट इज माइनर सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड

क्रिएट करना है तो मिनिमम टू परसेंट होने चाहिए मैक्सिमम फिफ्टी परसेंट होने चाहिए फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें तीन लोग जो हैं वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते हैं फर्स्ट इज माइनर माइनर उसको बोलते हैं कि जिनका अठारह एटीन ईयर से जो नीचे के लोग हैं उनको माइनर्स बोलते हैं तो वो लोग एंटर नहीं कर सकते हैं सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड मतलब मतलब जो मेंटली फिट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो लोग भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट uh, में एंटर नहीं कर सकते हैं एंड थर्ड इज पर्सन डिसक्वालीफाइड बाई एनी लॉ मतलब कोई भी लॉ उसको उनको uh, ऐसा बोल रखा है कि ये लोग क्या कर सकते हैं कोई भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते हैं तो वो लोग भी इस एग्रीमेंट में दैट इज़ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं एंड सेकेंड इज़ एग्रीमेंट पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी कितना कमीशन मिलेगा या फिर कितना हर एक पार्टनर को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा ये जो एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट दो टाइप का हो सकता है दैट इज ओरल और रिटर्न इंडिया में औरल uh, एग्रीमेंट भी चलता है तो एग्रीमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स दैट इज ओरल एंड रिटर्न नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं बनाए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अनलॉफुल बिजनेस भी कैरी कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको सिर्फ लॉफुल बिजनेस ही कैरी करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग आपको जो प्रॉफिट होता है बिज़नेस का जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ प्रॉफिट वो आपको हर एक पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा आइडर इक्वली और इन अ रेशियो एग्रीड रेशियो मतलब होता है कि Uh, जो तीनों पार्टनर या चारों पार्टनर के बीच में जो रेशियो एग्री हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीड रेशियो इसको हम लोग फर्दर आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे लास्ट फीचर इज बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एनी वन ऑफ देम और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या है बिजनेस क्या है कोई भी कैरी कर सकता है जितने भी पार्टनर्स है कोई भी आकर के बिजनेस कैरी कर सकता है मतलब बिजनेस कंडक्ट कर सकता है या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ में उस बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है ओके थैंक यू